अगर किसी व्यक्ति के दंडादेश को जो है दंडादेश का निलंबन या परिहार या रद्द किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या करेगा पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई दंडादेश दिया गया था, दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया था जिन शर्तों पे किया गया था, वह उस शर्तों का उल्लंघन कर देता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि पुलिस अधिनियम की जो धारा 34 है उसमें भी इसके संबंध में प्रावधान किया गया है कि उसमें भी बताया गया है कि पुलिस अधिकारी क्या करेगा। धारा 34 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शहर की सीमाओं के अंदर किसी सड़क या खुले मार्ग या आम रास्ते पर ऐसा कार्य करता है जिससे कि आगंतुक निवासियों या यात्रियों को बाधा या असुविधा क्षोभ संकट या नुकसान पहुंचता है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो है कोई व्यक्ति क्या करता है शहर की सीमाओं के अंतर्गत सड़क या खुले मार्ग पर या आम रास्ते पर क्या करता है कि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी आगंतुक निवासी या यात्री को बाधा असुविधा क्षोभ संकट या नुकसानकारी होता तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस प्रकार मैंने आपको धारा 41 बताई, 42 बताई और जो है 123 का खंड 6 उपधारा 6 बताई और 151 और 432 की उपधारा 3 बताई और पुलिस अधिनियम की धारा 34 बताई। इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और जो है अब मैं आगे का प्रावधान की गिरफ्तार व्यक्ति के राइट्स क्या होते हैं, कब जो है प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ये सारी अलग एक वीडियो बनाकर आपको जो है आगे मैं बताऊंगी। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। मैं आगे भी आप लोगों को लीगल जानकारी देती रहूंगी, इसलिए आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।